जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि एस अकेले नहीं हो सकती बहुत सारी चीज़ें आपको मिलकर करनी पड़ेंगी अपनी टीम के साथ और उस टीम में आपका एक डेवलपर भी हो सकता है और आपका डिज़ाइनर भी हो सकता है और कंटेंट या दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं आज मैं अब आप, आपसे बात करूंगा कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आपकी डिपेंडेंसी होती है अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो ज़्यादातर बेसिक एस में काउंट होते हैं लेकिन अब हम थोड़ा सा एडवांस होने जा रहे हैं और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं कि एडवांस टॉपिक्स किस तरह के हो सकते हैं और वो उसमें क्या क्या हमें आ, उसमें डिपेंडेंसी आ सकती है एस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको दूसरों से हेल्प चाहिए होगी और उनमें मेनली जो हेल्प चाहिए होगी वो आपको डेवलपर से चाहिए होगी अब असल में लोगों को लगता ये है कि एस वाले डेवलपमेंट भी सीखें या क्लाइंट अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिनको एस आती है वो डेवलपमेंट भी वो करेगा आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि अव्वल तो अगर आपको एस के साथ डेवलपमेंट आ जाए तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसी को टेक्निकल एस में भी काउंट किया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गूगल ऐसी देख रहा होता है जो सिर्फ कंटेंट या मेटा टैक्स रिलेटेड नहीं है वो आपकी वेबसाइट किस पे बनी है कैसे बनी है कोड कैसा था क्वालिटी कैसी थी उसकी स्पीड कैसी थी ये सारी वो चीज़ें हैं जो एडवांस फैक्टर्स में आती हैं और आप चाह भी ये नहीं कर सकते जब तक कि आप वो डेवलपर बन ना जाएँ और हर बंदा डेवलपर नहीं बन सकता लेकिन अगर आप एस के साथ डेवलपमेंट सीख लें तो नो डाउट आप एक अच्छी एस और अच्छे डेवलपर भी बन सकते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम जो लोगों को आती है वो ये कि जब वो एस के साथ डेवलपमेंट नहीं जानते वो शर्म के मारे वो गिल्ट समझते हैं कि जी हमें नहीं आता वो इस गिल्ट की वजह से क्लाइंट से बात भी नहीं करते ना ही अपनी वेबसाइट को ठीक करते हैं कि भाई हमें ये करना है और हमें नहीं आता तो क्लाइंट को पता चल जाएगा तो शायद वो पैसे नहीं देगा ये चीज़ मैं आपकी क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह से आ, इस चीज़ में ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ये डेवलपमेंट नहीं आती है तो मैंने काम नहीं करना आपने अंडरस्टैंड ये करना है कि बहुत सारी चीज़ें एस पे अफ़ेक्ट करती हैं जो कि आपकी जॉब नहीं है ये आपकी जॉब है कि सर्च इंजन पे या गूगल पे रैंकिंग की किस किस से अफेक्ट आपको हो रहा है सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं है और गूगल पे आप ऊपर नहीं आ पा रहे हैं उस वेबसाइट की वजह से जॉब आपकी ख़राब होगी क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है आपकी परफॉर्मेंस आपके क्लाइंट ने देखनी है लेकिन आपकी गलती नहीं है गलती डेवलपमेंट की या वेबसाइट की है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट या आपकी परफॉर्मेंस हर्ट हो रही है आपने इसमें शर्म नहीं करनी क्योंकि आपकी ये जॉब ही नहीं है और डेवलपमेंट की ये जॉब है लेकिन उनको ए नहीं आती है सो so आपने डेवलपमेंट के साथ बैठ क्लाइंट को समझाना है कि मैं डेवलपर के साथ बैठूंगा और आपने डेवलपमेंट डेवलपमेंट वालों को यानी डेवलपर्स को आपने वो अपनी चीज़ें देनी है वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे उसमें मसला नहीं होगा लेकिन सिर्फ आपने बात करनी है होता ये कि आप जब ये करेंगे नहीं तो आपके कंप्यूटर्स ये कर रहे होंगे जब आपके कंप्यूटर्स कर रहे होंगे वो आपसे ऊपर निकल जाएंगे वो गूगल में अच्छा रैंक कर जाएंगे आप अपनी वेबसाइट की बात करें या क्लाइंट की वेबसाइट की बात करें आपकी रिज़ल्ट रुक जाएंगे सो तो अगर आपका कंपाइटर ऊपर चला गया इस वजह से कि उसने डेवलपमेंट भी अच्छी करवा ली और जो चीज़ें एस परफेक्ट करती थी तो वो वो आपको बीट कर जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे सो so, आपने फोकस ये करना है कि जो भी चीज़ चाहे वो डिज़ाइन है चाहे वो डेवलपमेंट है जो भी चीज़ आपकी एस पे अफेक्ट करती है वो आपने करवानी है ये आपकी जिम्मेदारी है लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते आप उसके लिए रिसोर्स मांगें या रिसोस हायर करें या अपने क्लाइंट से कहें कि मुझे अपनी टीम दे दो या मेरी टीम हायर कर लो इन एनी केस वो काम होगा तो ऐसी बेहतर होगी अगर वो काम नहीं होगा तो ऐसी बेहतर नहीं होगी तो ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए अपने क्लाइंट से बात करते हुए कि भाई मुझे डेवलपमेंट करनी है और ये बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो डेवलपर ही कर सकता है मैं नहीं कर सकता